दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें। इस प्रक्रिया को डीबीटी लिंक या आधार सीडिंग भी कहते हैं। बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए पहले हमें बैंक जाना पड़ता था, जिसमें हमें फॉर्म को फिल करके बैंक ब्रांच में सबमिट करना होता था और ईकेवाईसी कंप्लीट करना पड़ता था, तब जाके हमारा जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होता था। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यू पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी मदद से हम घर बैठे अपने बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग कर सकते हैं, जिसमें हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आधार सीडिंग करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है npcioorg.in। इतना टाइप करके आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको इस वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। यह गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसे वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंज्यूमर मीडिया, ऐसे करके ऑप्शन आएगा, तो आपको कंज्यूमर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर BASE, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आधार सीडिंग करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, मतलब इस फॉर्म को फिल करके हम आधार सीडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर 8 मिनट का यहाँ पर टाइमिंग भी चलता रहेगा, मतलब 8 मिनट के अंदर आपको इस प्रोसेस को कम्प्लीट करना है, नहीं तो जो ये पेज है वो एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आपको अगेन आपको वेबसाइट पर आकर सारा प्रोसेस कम्प्लीट करना पड़ेगा। तो आधार सीडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर आधार में दो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, पहला ऑप्शन है सीडिंग और दूसरा ऑप्शन है डी सीडिंग। तो पहले वाले ऑप्शन से हम अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करेंगे और दूसरा ऑप्शन दिया गया है डी सीडिंग, मतलब जो हमारा बैंक अकाउंट और आधार कार्ड लिंक है उसे हमें डी लिंक करना है। तो अगर आपको नीड है कि अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को डी लिंक करना, तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो भी बैंक है उस बैंक का कुछ फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर एंटर करेंगे तो वो बैंक यहाँ पर सर्च होकर आ जाएगा, तो उस बैंक को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सीडिंग टाइप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है फ्रेश सीडिंग, इसका मतलब यह है कि आपके आधार कार्ड से कोई भी बैंक लिंक नहीं है, तो आप यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है मोमेंट विद इन द सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कि आपका SBI बैंक में अकाउंट है, लेकिन SBI बैंक में आपका दो अकाउंट है, तो एक अकाउंट में आपका DBT लिंक है, तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरे अकाउंट में DBT लिंक हो तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है मोमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं आपका इंडियन बैंक में DBT लिंक है, तो अगर आप चाहते हैं कि SBI बैंक में जो हमारा अकाउंट है उसमें DBT लिंक हो जाए और जो इंडियन बैंक में DBT लिंक है वो डीलिंक हो जाए, तो आपको तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो सीडिंग टाइप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है, जिस भी अकाउंट में आप आधार सीडिंग करने वाले हैं, और यहाँ पर आपको सेम अकाउंट नंबर एंटर कर देना है, मतलब कंफर्म अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस आएगा, तो आपको चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। आने के बाद एक और टर्म एंड कंडीशंस होगा, तो इस वाले चेकबॉक्स पर भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद लास्ट में एक कैप्चा आएगा, इस कैप्चा को यहाँ पर आपको एंटर करके प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आधार सीडिंग का रिक्वेस्ट यहाँ पर लग जाएगा और 24 से 48 घंटे में जो आपका आधार सीडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अगर आपको यह चेक करना है कि जो हमारा आधार सीडिंग है वो हुआ है या नहीं, तो यह चीज चेक करने के लिए आपको अगेन इसी वेबसाइट पर आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार ऑप्शंस आएगा, तो यहाँ पर आपको गेट आधार मैप्ड स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है और ये कैप्चा आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। आधार नंबर और कैप्चा एंटर करने के बाद आपको चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आपका आधार कार्ड का मैप्ड स्टेटस है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे आप मेरे केस में देख सकते हैं जो हमारा मैपिंग स्टेटस है वो इनेबल्ड है फॉर DBT के लिए। और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो आपके आधार कार्ड से बैंक लिंक होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर मेरा इंडियन बैंक लिंक है। सो इस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग कर सकते हैं, मतलब DBT लिंक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका हेल्प जरूर। उनका वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।